आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के हम सेकंड चैप्टर की बात कर रहे हैं एक्सेल वीवीए फंक्शंस या फॉर्मूला क्रिएशन कर सकते हैं। तो हमने पिछले दो क्लासेस में बताया किस तरीके से हम फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। आज हम बात करेंगे इनबिल्ड फंक्शंस के बारे में जो वीवीए के इनबिल्ड फंक्शंस है। कुछ फंक्शन है जो कि एक्सेल के भी फंक्शन क्योंकि वीवीए में डायरेक्ट सपोर्ट करती है, जैसे चूज का फॉर्मूला एक्सेल का फॉर्मूला है बट वीवीए में ही सपोर्ट करता है। लेकिन हम कैटेगरी वाइज चलेंगे, हम बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रिंग का फॉर्मूला। इसमें देख लीजिए मैंने लिंक दिया था, एसी फॉर्मूला है, एक कोड होता है, कोड फॉर्मूला है कि एक्सेल के कोड फॉर्मूला के सिमिलर है। जैसे कि आप कैरेक्टर ए लिखेंगे तो उसका बाइनरी नंबर दे देगा। CHR क्या है कि बाइनरी नंबर उसका स्काई वैल्यू जो भी CHR देता है उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि एक्सेल में क्या होता है। जैसे मान लीजिए ए लिखा आपने, यहाँ पे आप कोड का फॉर्मूला देंगे तो वापस एक स्काई वैल्यू देगा और फिर यहाँ पे आप कैर का फॉर्मूला देंगे तो वापस कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो फॉर्मूला इसके लिए होता है, कॉन्कनेट आपने यूज किया ही है, फॉर्मेट आपने यूज किया ही है। इनिशियल फॉर्मूला होता है एक्सेल का, जो फाइंड और सर्च फॉर्मूला है वो आपका इनिशियल फॉर्मूला होता है। और इनिशियल रिवर्स क्या होता है, इनिशियल के जैसा ही होता है बट इनिशियल ढूंढना इधर से शुरू करता है, रिवर्स जो है इधर से शुरू करता है। एल केस आपका लोअर केस में कन्वर्ट करता है, लेफ्ट आपका एक्सेल का फॉर्मूला जो लेफ्ट से लेता है, लेन एक्सेल का फॉर्मूला है, लेंथ बताता है, ए ट्रिम एल ट्रिम लेफ्ट से ट्रिम करता है, मिड आपका एक्सेल का फॉर्मूला है, मिड से निकालता है, रिप्लेस एक्सेल में जो सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला था कि किसी भी करेक्टर को किसी भी सेल वैल्यू में किसी करेक्टर को अनुपात करेक्टर से रिप्लेस कर देना, ये आपका रिप्लेस फॉर्मूला है। राइट आपका एक्सेल का राइट है, आल ट्रिम है, स्पेस आपको क्या करता है, जैसे आपने फाइव दिया तो फाइव स्पेस ही करता है, ये आपका आता है स्प्लिट, ये स्प्लिट कर देता है उसकी जैसे कॉमा लगा के हर एक लेटर। और बाकी आपका जो है इंटीजर करता है, एसटीआर कन्वेंस जो मान लीजिए स्टार्टिंग में कुछ इंटीजर लगाया हो तो इंटीजर दिखा देता है। इन सबको मैं एक एक एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एससीआर सीएचआर के बारे में। एससीआर सीएचआर वगैरह करता है क्या है? और रिप्लेस तीन का यूज करके मैं उसका एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। तो वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग में हम बात कर रहे हैं, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं और बहुत सारे टेक्स्ट हैं, मुझे इसमें से टेक्स्ट को रिमूव करना है। लेकिन इसमें अगर हमारे टेक्स्ट कई सारा है, कई सारे जगहों पे नंबर्स भी है, सारे नंबर्स को रखना है, सारे टेक्स्ट को रिमूव करके मुझे यहाँ पे सिर्फ नंबर 1 2 3 2 1 2 इस तरह से आना चाहिए। तो इसमें एक्सेल में इसके लिए कोई पोजिशन कोई ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो चलिए हम वीवीए के जरिए खुद के फॉर्मूले बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए इस पे हम आपको बताता हूं। मैंने मॉड्यूल्स में एक इंसर्ट किया नया मॉड्यूल्स, यहाँ पे फंक्शंस, फंक्शंस में हमने बोल दिया एक्सटीआर एनयूएम नंबर स्टेट नंबर एंड एज ए स्ट्रिंग, मतलब कि क्या है एन जो है मतलब कि जो इनपुट होगा स्ट्रिंग होगा, मतलब कि मैं यहाँ पे मैं extr extract number नाम का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा और अपना a1 को सिलेक्ट कर लूंगा। a1 है हमारा, वो a1 किस पे चला जाएगा, n के ऊपर चला जाएगा। इस n के ऊपर जितने भी नंबर है सारे नंबर को रिप्लेस करना है। हमें यहाँ पे dim r एज ए स्ट्रिंग ले लिया हमने और r इक्वल टू n कर देता हूं, कैलकुलेशन है 4 r इक्वल टू चले। अब कैसे इसका यूज करेंगे,
तो चलिए एक बार हम एससी फॉर्मूले को देखते हैं। एससी फॉर्मूले में एक स्काई वैल्यू का लिस्ट है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आपका क्या नंबर, देखिए कंप्यूटर में नंबर कितने तरह का डेटा होता है, ये होता है डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल एंड करेक्टर, तीन तरह, चार तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ध्यान से देखिए, डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल एंड करेक्टर। तो यहाँ पे सबका कोड दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर वह जीरो आएगा डेसिमल में तो इस तरह का नंबर आएगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक्सेल में सी एच आर कैर में जीरो डाल देता हूं, जीरो एक्सेप्ट नहीं करता इसमें, इस तरह का वैल्यू आएगा। अगर मैं टू कर देता हूं तो इस तरह का वैल्यू आएगा, वन करता हूं तो ये आएगा। तो इस तरह का जो है आता है इसमें, ये अपडेटेड है। तो इसमें हमने देखा है कि यहां हमारा जो करेक्टर है वो करेक्टर स्टार्ट है हमारा 57 तक, हमारा नंबर है 57 के बाद जितने भी वो करेक्टर है कहां तक, 127 तक, दिख रहा है ना सर। जैसे यहाँ पे देखिए ना, अगर 65 है, मतलब कि मैं अगर कैर फॉर्मूले के अंदर में 65 डालूं तो रिटर्न ए आता है, आता है? तो यहाँ पे 4i, हम यहाँ पे कितना था, फिफ्टी एट टू वन ट्वेंटी सेवन, और हम यहां पे लिखते आर इक्वल टू रिप्लेस। रिप्लेस किसमें करना है, आर में, क्या करना है, तो सी एच आर इसके अंदर में हमने आई दे दिया, इससे करना है तो ब्लैंक से, मतलब कि नथिंग से, मतलब कि डिलीट करना है, मैक्स आई। तो क्या हुआ, उसके अंदर जितने भी करेक्टर होगा वन बाय वन सारे करेक्टर होगा तो रिप्लेस करेगा, नहीं हुआ तो नहीं रिप्लेस करेगा, तो सारे करेक्टर रिप्लेस हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ नंबर। तो यहां हम ext underscore num equal to हम कर देते हैं। अब यहां पे मैं फॉर्मूला देता हूं, देखिए नंबर आया, बट जो नंबर आया है वो आया है टेक्स्ट फॉर्मेट में, क्यों, क्योंकि ये जो हमारा R है इसको हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया, इसलिए ये नंबर में आया। तो फॉर्मूला का आप रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब कि जो ext जो नंबर है उसका टाइप क्या है, यहां साइड में लिख सकते हैं कि एज ए लॉ डेसिमल। इससे क्या होगा कि जैसे डबल क्लिक करके एंटर मारेगा तो देखिए नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो एक कोड थी, एक फॉर्मूला की कोड थी कि आप किसी भी सेल में अगर टेक्स्ट और नंबर एक साथ लिखा हुआ है तो उसको आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर में, नंबर। कोई डाउट आप लोगों को इसमें? सर नंबर तो है लेकिन अगर स्पेशल करेक्टर हो उनको निकालना हो तो आप इसमें लिस्ट में देख लीजिए ना अपने हिसाब से, स्पेशल करेक्टर भी इंक्लूड है ना इसमें, देखिए इस स्पेशल करेक्टर ही है ना, जी जी, तो ये भी निकालना है जो ऊपर दिख रहा है। तो फिर आपको जो है यहाँ भी क्या करना होगा, हैज करना पड़ेगा, और यहाँ से 32 33 से स्टार्ट करना 127 तक, और उसमें आपको 0 से लेके 9 मतलब कि 48 से लेके 57 तक का स्किप करना। ओके ठीक है, ठीक है। तो वहां पर हमने जो नंबर लिखे से वो नंबर स्किप कर रहा है, जो आपने नंबर निकाला है? नहीं हमने नहीं लिखा, हमने ऐसा नहीं कुछ किया, हमने तो 58 से 127 कर दिया। यहाँ पे कर क्या रहा है, ये सुनिए, आप सुनिए, सिंपल सी बात है, ये जो है 158 से 127 क्या है, इसके स्काई वैल्यू है, मतलब कि अगर आप यहाँ पे कैर के अंदर में 59 लिखेंगे तो रिटर्न आएगा। ये क्या कर रहा है कि वन बाय वन क्या कर रहा है कि हर एक नंबर को रिप्लेस कर रहा है, हर एक करेक्टर, ये यहाँ पे 60 फिर यहाँ पे 70 इस तरह से। ओके और बाकी जो बच जाता है वो तो उसका नंबर होगा, नंबर होगा। ओके जो है 58 से नीचे है,
ये जो एग्जांपल में बताया आपको, वो बताया एसी वैल्यू, सॉरी एसी वैल्यू के बारे में, इसमें हम बात करते हैं अगले एग्जांपल्स की। तो आपने देखा था इन एस टी आर के बारे में, तो चलिए इन एस टी आर से रिलेटेड भी एग्जांपल देते हैं। ललित जी, हेलो ललित जी, इसके बाद हम आपके स्टार्ट करेंगे क्लास, आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी वीवीए का ही है। हाँ जी, हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब अगला एग्जांपल आता है कि यहां पे मेरे नेम है, मैं यहां नेम में सुजीत कुमार सिंह, मुझे इसमें से अपना फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करना। तो इसके लिए एक्सेल में थोड़ा सा फॉर्मूला लेंदी है। लेंदी क्या है कि हमें यहाँ पे जैसे मैं फर्स्ट नेम निकाल बताता हूं कि मैं यहाँ पे फाइंड का फॉर्मूला लगाऊंगा, बोलूंगा स्पेस, इसको सिलेक्ट करूंगा एंड कॉमा वन करूंगा, तो यहाँ पे आएगा सिक्स, देन यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे लेफ्ट का और करेंगे सिक्स माइनस वन, तो रिजल्ट आएगा। तो एक सबकी बस की बात नहीं है ना, हम एक वीवीए फॉर्मूला बना देते हैं। कैसे बनाएंगे अभिषेक जी, इसके बाद आपकी क्लास स्टार्ट होगी। फंक्शंस हम यहां पे करते हैं एफ नेम फर्स्ट नेम और एन एज ए स्ट्रिंग, हमने यहां पे इनपुट दे दिया, और स्पेस के बिहाफ पे अलग करना डिफाइन कर सकते, लेकिन मैंने यहां फिक्स कर दिया कि स्पेस के बिहाफ पे अलग हो। फिर डिम R एज ए हमने लिया लॉन्ग, अभी क्या करेगा R इक्वल टू, क्योंकि यहां VVA में फाइंड फॉर्मूला सपोर्ट नहीं करता है, सर्च फॉर्मूला, तो यहां पे इन एस टी आर का फॉर्मूला है, इन एस टी आर जो कि फाइंड फॉर्मूला के जैसा है पर लगता उल्टा है। स्टार्ट वन से स्टार्ट करना है, किसमें करना है तो N के अंदर में, क्या ढूंढना है तो स्पेस, हम यहां पे देंगे f अंडरस्कोर नेम इक्वल टू लेफ्ट, लेफ्ट के अंदर में हम बोलेंगे n में से r माइनस वन हटा दो, माइनस वन क्यों किया, क्योंकि वो स्पेस तक का दूरी देगा ना, बताएगा कि स्पेस तक कितने करेक्टर। यहां पे हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे f अंडरस्कोर नेम और यहां पे दे देंगे, ये आ गया आपका सुजीत। बट लास्ट नेम में प्रॉब्लम है, क्योंकि नाम जरूरी नहीं है कि तीन लेटर का ही हो, सुजीत कुमार सिंह भी हो सकता है, सुजीत सिंह भी हो सकता है, सुजीत एल रामाशंकर आचार्य ये भी हो सकता है, चार पांच नाम भी हो सकते हैं, मुझे लास्ट का नेम चाहिए। तो यहां पे हमारा इन एस टी आर सपोर्ट नहीं करेगा, हमने आपको बताया था कि इन एस टी आर की जगह भी एक इन एस टी आर रिवर्स का फॉर्म जो रिवर्स से काउंट करता, तो वो यहां पे इस्तेमाल करेंगे। फंक्शन लास्ट एल नेम कर देता हूं, एल नेम एन एज ए स्ट्रिंग, और यहां पे हम बात करेंगे डिम आर एज ए ऑल्सो लॉन्ग, आर इक्वल टू इन एस टी आर रिवर्स, और यहां देंगे चेक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग चेक एज स्ट्रिंग, मैच स्ट्रिंग, यहां पे मुझे देना होगा क्या मैच करना है, स्पेस, किसमें मैच करना है तो एन के, बस कुछ और नहीं देना। फिर मैं यहां पे लगाऊंगा फॉर्मूला एल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू राइट, राइट, और इसमें मैं दूंगा कि किस से एन से, कितना लेटर अलग करना है तो लेन R की कम, इसी R की नहीं, इसकी क्या बोलते हैं N, N की कंप्लीट लेंथ माइनस R,
मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ एल मेन। गलती हो गया इसमें, हमने यहां जो दिया है ना, मुझे यहां पे एन देना होगा, कॉमा देना होगा, उल्टा कर दिया था। तो ये लाइन समझाएंगे कौन सा लाइन, ये जो आपने लास्ट निकाला है ये वाली? हाँ सर, राइट फॉर्म में लगा हुआ है ना, हम राइट से अलग कर रहे हैं कितना करेक्टर, तो टेक्स्ट की पूरी लेंथ में से माइनस करना है लास्ट स्पेस। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको लास्ट स्पेस को अलग करता है। ओके जो ये एसटी रिवर्स है ये लास्ट से फाइंड करेगा। एक मिनट सर, मैं भी क्लास में बैठा हूँ, मुझे आधे घंटे में कॉल करेंगे, अभी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आधे घंटे में आपको कॉल, व्हाट्सएप है इस नंबर पे? हाँ तो मैं आपको आधे घंटे में रिवर्ट करता हूँ। हेलो जी सर, समझ में आ गया एग्जाम्पल तीनों? हाँ सर ये आ गया। इस तीन एग्जाम्पल से आप क्या सीखा? आपने सीखा रिप्लेस का फॉर्मूला, आपने सीखा CHR एंड कोड का फॉर्मूला, आपने सीखा INSTR का फॉर्मूला, और आपने सीखा CHR रिवर्स का। हमने इसमें यूज करा। अब इसमें बाकी और भी छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जैसे कि स्प्लिट है, स्प्लिट है, ESTR कन्वेंस है, ये आपका STR रिवर्स है, ये सारे फॉर्मूलों के ऊपर यूज कर लीजिए। छोटे मोटे फॉर्मूले पढ़ेंगे तो यूज हो जाएगा सर, ठीक है? हेलो, ओके 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 सर। तो कल से 9 बजे ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी जो टाइम है आपकी जो है 9:40 तक जो है इनकी ललित जी की क्लास स्टार्ट हो जाएगी बीवीए की, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी ज्वाइन।